हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। इसके पहले वीडियो में हमने किया एक्सरसाइज 5.1, इसी वीडियो हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 को। तो आप लोग बुक ओपन करके बैठ जाएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और कॉपी पेन लेके अच्छे से बैठ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये एक ब्लैंक ये टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में ए 7 दिया है, यानी फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस डी होता है वो कितना दिया है 3, और एन कितना दिया है 8 दिया है। तो बताना है ए एन कितना है। तो जो पहले का सॉल्यूशन होगा, जो फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा, आप लोग को ध्यान होगा कि एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है ए एन इज्क्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले वाले क्वेश्चन में ए दिया है, एन दिया है, डी दिया है, हमको ए एन फाइंड करना है। तो देखिए, अगर रखेंगे ए की जगह पे 7, तो ए कितना है 7 प्लस एन कितना है, एन यहाँ पे 8 है, तो 8 माइनस 1 और डी कितना है 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7, और 7 3 जा 21, और ये आ जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना पुट करेंगे, 28 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28, यानी पहले का जो आंसर है वो कितना आ गया 28 आ गया। अब इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे, इसी का सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हमको दिया है कि ए एन इज्क्वल टू कितना है 0, एन इज्क्वल टू 10 दिया है, ए इज्क्वल टू 18 दिया है, कॉमन डिफरेंस बताना है। फॉर्मूला सेम वही है, ए एन इज्क्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह पे कितना दिया है 0, तो ए एन की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 0, तो यहाँ पे आ गया 0, और ए कितना दिया है माइनस 18 प्लस एन कितना दिया है 10 माइनस 1, और डी कितना दिया है वही तो हमको पता करना है, डी हो गया। 18 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में 18, और ये 10 में से बन गया 9 डी, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 अपॉन में 9, और ये आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, बहुत ही सिंपल था, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये रहा सेकंड। अब हम लोग करते हैं थर्ड। अब देखिए थर्ड में क्या दिया है, हमको a नहीं दिया है, a नहीं दिया है, d दिया है, n दिया है, an दिया है। तो फॉर्मूला देखिए यही होता है, an की जगह पे क्या रखना है माइनस 5, और इक्वल टू ए नहीं दिया है प्लस, लेकिन एन दिया है, एन कितना है 18, तो एन की जगह पे 18 रखेंगे, यहाँ पे 18 माइनस 1, और डी कितना दिया है माइनस 3 दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस 17 थ्री जा 51, तो ये हो गया। अब ए की वैल्यू को निकालने के लिए इस 51 को इधर लाते हैं, तो ए इक्वल टू माइनस 5 प्लस 51, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 46, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 हो गया। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में a इक्वल टू कितना दिया है 18.9, तो ए एन इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए एन दिया है, d दिया है, a दिया है, n बताना है। तो ए एन की जगह पे पहले क्या रखेंगे 3.6, और इक्वल टू a, a कितना है माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1, हमको n ही तो नहीं दिया है, एन पता करना है, और डी कितना दिया है 2.5। अब चलिए इस 18.9 को इस साइड लाते हैं, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1, और ये 2.5 हो गया। चलिए ऐड करते हैं 9 और 6 15, तो 5 कैरी 1, 8 और 3 कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पे कैरी था तो 2 हो गया, कैरी फिर लगा 2, और 1 और 2 कितना आ जाएगा 3, तो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा 32.5, कितना हो जाएगा 32.5,
और इक्वल टू एन माइनस वन, और इस 2.5 से डिवाइड कर देते हैं, इस 2.5 से डिवाइड कर देते हैं, तब बताइए कितना आएगा। ये आएगा 15 टाइम्स, या कितना आएगा 15, देखिए चलिए डेसिमल हटा देते हैं ना, वन डिजिट पे है तो डेसिमल हटा देते हैं, तो 325 डिवाइड बाई 25, देखिए 25 वन जा 25, तो यहाँ पे 7 गया, यहाँ पे कितना बचा 25 वन जा 5, तो यहाँ पे 7 इधर गया 75, और ये 3 जा 13 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा 13, तो n माइनस वन इक्वल टू 13, वन इधर आएगा तो n इक्वल टू 13 प्लस वन, और ये आ जाएगा 14। समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस d कितना है 0 है, n इतना दिया है और an आपको बताना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और a की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस वन, और d कितना है 0। अब देखिए 0 का मल्टीप्लाई 105 माइनस वन यानी 104, और 104 में 0 का मल्टीप्लाई 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, an इक्वल टू 3.5, कितना आ जाएगा 3.5, और यही क्या होगा आपका यहाँ पे भरा जाएगा 3.5, और इसमें कितना आया था 14। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 5 पार्ट थे वो सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग बुक से खुद ट्राई करते रहिए, खुद ट्राई करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, दिया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, हमको क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। दिया है 30th टर्म ऑफ द एपी, एपी 1074 इज, मतलब इस एपी का 30वां टर्म क्या होगा, 30th टर्म क्या होगा, 30th टर्म यानी कि n इक्वल टू हमको 30 पुट करना है। समझ में आया, देखिए पहले क्वेश्चन को करते हैं, तो फॉर्मूला जो nth टर्म का, देखिए nth टर्म यानी an, जब nth टर्म बोलते हैं nth टर्म तो an आता है, और an इक्वल टू देखिए nth टर्म, या फिर इसी को tn लिखते हैं ना, तो tn मतलब nth टर्म, तो a प्लस n माइनस वन इंटू d, जब nth टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे n यानी कौन सा टर्म है, और यहाँ पर भी वही राइट करेंगे, तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में 30th टर्म, तो a क्या हो जाएगा 30th, nth बोलते हैं तो 30th यानी a 30, और इक्वल टू a प्लस n की जगह पे 30 माइनस वन इंटू डी। अब इस ap को देखिए आप लोग, a कितना है 10 है, तो a की जगह पे a यानी कि फर्स्ट टर्म 10 प्लस 30 में से 1 गया तो कितना आ गया 29 इंटू डी। अब d क्या होगा, d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 7 है और फर्स्ट टर्म कितना है 10, तो यहाँ पे जो d आएगा वो 7 माइनस 10 और ये आएगा माइनस 3, तो d की जगह पे हम लोग माइनस 3 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 10 और प्लस माइनस माइनस, और 29 थ्री जा 87, कितना आ जाएगा 87, और इसको 10 में से 87 जाएगा तो माइनस 77, तो a 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस में 77, तो ये आपका ऑप्शन नंबर c क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसी के बाद हम लोग सेकेंड वाले को भी कर लेते हैं, तो ये तो रहा फर्स्ट और ये हम लोग करते हैं सेकेंड, तो सेकेंड वाले में अगर फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 3, ए इक्वल टू माइनस 3 है और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है माइनस 1/2 में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म यानी माइनस 3 को, तो माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 2 3 जा 6, तो माइनस 1 प्लस 6 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 अपॉन में 2, हमको निकालना है 11th टर्म, फॉर्मूला यही लेकिन n इक्वल टू क्या पुट करना होगा 11th,
तो ए इलेवन इज्क्वल टू ए प्लस 10D या फिर 11 माइनस 1D। अगर आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, डायरेक्ट हम लोग लिखते थे ना ए 20th टर्म तो ए प्लस 90D, ए 5th टर्म ए प्लस 4D, तो ऐसे डायरेक्ट ए 11th टर्म तो 11th टर्म के लिए ए प्लस 10D। तो ए कितना आया है -3 और 11 में से 1 गया तो यहाँ पे प्लस में 10 और डी कितना आया है 5/2 5 जा 20 तो -3 + 25 और ये आ जाएगा 22। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बी जो है 22 करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट करेंगे। हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये हमको 5 क्वेश्चन थर्ड में दिए गए हैं और ये सब एपी हैं, तो हमको बताना है कि मिसिंग टर्म क्या होगा। तो हम लोग फर्स्ट को समझते हैं। देखिए फर्स्ट में कितने टर्म है, 1, 2, 3, कितने टर्म है, 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल टू t 2 दिया है, सेकेंड टर्म a 2 इक्वल टू पता करना है और a 3 आपको दिया हुआ है। तो देखिए अगर हमको AP के टर्म को राइट करना है तो हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट वाले में हमको a इक्वल टू कितना दिया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म को a1 लिखें या फिर a लिखें। अगर इसको a1 लिखेंगे या फिर a लिखेंगे तो a कितना दिया है, 2 दिया है। सेकेंड टर्म नहीं पता करना है, पता करना है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a2, और a2 हमको पता करना है और a3 कितना दिया है, a3 इक्वल टू 26। सब लोग को समझ में आ गया कि इतने चीज हमको दिए गए हैं। अब देखिए a3 इक्वल टू क्या है, 26, और a3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला आपको पता है कि an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे 3 पुट कर देना है तो a3 हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस n की जगह पे 3 माइनस 1 और ये d, तो ये आएगा a प्लस 2d, कितना आएगा a प्लस 2d, और a3 कितना है 26, तो यहाँ पे आप लोग 26 पुट कर लीजिए, ठीक है, और a भी कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी आप लोग 2 पुट कर लीजिए। अब ये 2 इधर आएगा तो 26 माइनस 2 कितना आएगा 24, तो 24 इक्वल टू 2d हो जाएगा, और 24/2 करेंगे तो d इक्वल टू कितना आएगा, 12 आएगा, यानी जो हम लोग का कॉमन डिफरेंस था वो कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का जो फॉर्मूला होता है a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी, थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d, क्योंकि देखिए यहाँ पे a3 किए तो a प्लस 2d आया कि नहीं आया, तो ऐसे a4 होगा तो a प्लस 3d, a5 होगा तो a प्लस 4d, इस तरीके से आप समझिए। अब देखिए a की वैल्यू था 2 और d की वैल्यू था 12, तो a2 कितना आ गया, 14, यानी सेकेंड टर्म जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 14, तो यहाँ पे क्या राइट किया जाएगा, 14 राइट किया जाएगा। अब ऐसे हमको सब में करना है, ऐसे क्या करना है, हमको सब में करना है, यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो टर्म दिया है उन सब टर्म को यूज करके हम लोग को फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, तो इसके बाद सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर एपी में आपको सीरीज लिखना है तो इम्पॉर्टेंट यही है कि फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सेकेंड वाले में क्या है, फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता है, सेकेंड वाले में फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता है, सेकेंड टर्म पता है कि सेकेंड टर्म यानी a2 इक्वल टू कितना है, 13, a2 इक्वल टू 13 है, और थर्ड टर्म नहीं पता है, इसके बाद कौन पता है, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म यानी कि a4 इक्वल टू कितना है, 3 है। अब देखिए a2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी, यही होता है, a2 की जगह पे 13 रखेंगे तो 13 इक्वल टू a प्लस डी बोले, या फिर a प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया, 13, ये आ गया, समझ में आया। अब देखिए a4 इक्वल टू कितना है, 3 है, a4 इक्वल टू कितना है, 3,
और ए फोर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस थ्री डी, क्या बन जाएगा ए प्लस थ्री डी, और ए फोर की जगह पे थ्री रखेंगे तो यहाँ पे ए प्लस थ्री डी और ए प्लस थ्री डी इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, थ्री राइट कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको ए और डी की वैल्यू मिलेंगी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको ए और डी की वैल्यू मिलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू थर्टीन और ए प्लस थ्री डी इक्वल टू थ्री। इलामिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं, दोनों साइन ए को इलामिनेट करते हैं, दोनों साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, बाई सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं हम लोग। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 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 ये कट जाएगा तो डी में से थ्री डी जाएगा तो माइनस टू डी आएगा, और थर्टीन में से थ्री जाएगा तो टेन आएगा, और डी इक्वल टू टेन अपॉन में माइनस टू करेंगे तो सॉल्व होने पे कितना आएगा माइनस फाइव, यानी जो डी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई माइनस फाइव। और इसी डी की वैल्यू को पुट उठा के इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू को उठा के डी इक्वल टू माइनस फाइव को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस डी की जगह पे माइनस फाइव इक्वल टू थर्टीन, और ए इक्वल टू थर्टीन और ये माइनस फाइव इधर जाएगा तो प्लस में फाइव और ये आ जाएगा एट्टीन, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा एट्टीन। तो जहाँ पे फर्स्ट टर्म का साइन है वहाँ पे क्या लिखेंगे 18, और फिर कॉमन डिफरेंस आ गया तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, थर्ड टर्म आता है, सेकेंड टर्म 13 है और कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस फाइव, तो 13 में ऐड करिए माइनस फाइव को तो 13 माइनस फाइव कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्लियर। तो आंसर आपका 8 आ जाएगा। अब इस तरीके से थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, समझ में आया। आप सभी को थर्ड फोर्थ और फिफ्थ खुद से ट्राई करना है। चलिए अच्छा मैं एक और ट्राई करके दिखा देता हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, जैसे ये हुआ है वैसे वो भी होगा। दो इक्वेशन बनेंगी, ए और डी की वैल्यू निकालनी है, ए और डी की जब वैल्यू मिल जाएगी, चलिए तो फिफ्थ वाले में इस ये हो गया अब फिफ्थ करते हैं। तो फिफ्थ में आपको क्या दिया है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो सेकंड टर्म कितना दिया है, A2 कितना दिया है, A2 दिया है 38 और A6 यानी A6 कितना दिया है -22। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी, तो ए प्लस डी इक्वल टू 38 दिया है और ये कितना दिया है A6 के लिए फॉर्मूला ए प्लस 5D और इक्वल टू -22। इलामिनेट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस कट जाएगा तो -4D और दोनों को ऐड करेंगे तो 60 आएगा और D इक्वल टू 60 अपॉन में -4 करेंगे तो कितना आएगा माइनस में 15। डी की वैल्यू कितना आएगा माइनस में 15 और डी की वैल्यू को यूज करके हम लोग ए की वैल्यू को निकालते हैं। डी इक्वल टू -15 यहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए ए प्लस डी की जगह पे -15 इक्वल टू 38 तो ए इक्वल टू 38 प्लस में 15 ऐड करेंगे 8 और 5 कितना हो जाएगा 8 5 13 तो 3 carry 1 4 3 1 4 और ये 5 तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53। तो ये तो ए है तो यहाँ पे आप लोग 53 राइट करिए, कॉमन डिफरेंस कितना आया -15 तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे थर्ड आएगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो फोर्थ आएगा और फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो पार्ट रह गए हैं आप लोग उसको घर पे ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने स्क्रीन पे है, दिया है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म, ये एपी है इज 78, एपी का कौन सा टर्म 78 है। तो मान लीजिए कि एपी का एनवा टर्म क्या है 78,
तो जो 78 है वो एपी का क्या हो जाएगा, nth टर्म, यानी 78 हो गया। और एपी में फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 3 दिया है। देखिए एपी ये है, फर्स्ट टर्म 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 में से 3 जाएगा, 8 माइनस 3 और कितना आएगा 5। कौन सा टर्म एपी का 78 है, तो हमको एन की वैल्यू बतानी है, तो एन चलिए हो गया भाई, यहाँ पे आ गया एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया, ऐसे यहाँ पर भी ए एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए एन की जगह पे 78, ए की जगह पे 3 प्लस एन माइनस वन और डी की जगह पे 5। 3 को इधर लाएंगे तो 78 में से 3 जाएगा 75, तो 75 और इस 5 से डिवाइड करेंगे अपॉन 5 इक्वल टू एन माइनस वन, तो 15 इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इजी था। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फाइंड द नंबर ऑफ ए टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। बताना है दोनों क्वेश्चन में एपीज में कितने टर्म है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में कितने टर्म है, यानी कि हमको एन बतानी है। फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और जो लास्ट में दिया है उसको हम लोग मानेंगे एंथ टर्म है, लास्ट टर्म यानी एंथ टर्म है। तो ए एन इक्वल टू कितना दिया है, फर्स्ट वाले में देखिए ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है 205, और फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना दिया है 7, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 13 माइनस 7, और ये आ जाएगा 6। तो पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया, आप लोग एन की वैल्यू निकाल लोगे। अभी सेकंड में भी क्या करना है, देखो सेकंड में ए एन कितना दिया है माइनस 47, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने बता दिया क्या क्या है, और सेकंड में ए एन इक्वल टू कितना है माइनस 47, ए इक्वल टू 18 है, और डी कैसे निकालेंगे, डी सेकेंड टर्म माइनस थर्ड फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है 15, 1 अपॉन 2, 15 टू जा 30, और 31 अपॉन में 2 माइनस 18 करेंगे, तो 31, 18 टू जा माइनस 36 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा माइनस 5 अपॉन में 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा माइनस 5 अपॉन में 2, तो दोनों ही केसेस में आपको n निकालना है। फॉर्मूला पता है nth टर्म का, तो आप लोग nth टर्म का फॉर्मूला लगा के दोनों केसेस में क्या निकाल लेंगे, आप लोग n निकाल लेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ एपी 11852। हमारे पास एपी है 11852, और हमको चेक करना है इस एपी का माइनस 150 कोई टर्म है कि नहीं है। तो 150 को, जो माइनस में 150 है, इसको हम लोग ए एन टर्म मान लेंगे और एन की वैल्यू निकालेंगे। जब एन आपका नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट नंबर होगा, तो एपी का टर्म है। अगर एन फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वो एपी का टर्म नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसा नहीं होता कि वो फर्स्ट टर्म अपॉन टू, फर्स्ट टर्म का आधा सेकेंड टर्म के बीच में, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ए एन को मानते हैं माइनस 150, और ए कितना हो जाएगा 11, और डी कितना हो जाएगा 8 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा माइनस 3, और यहाँ पे हम लोग एन की वैल्यू निकालेंगे। आप लोग खुद ट्राई करेंगे एन की वैल्यू को निकालेंगे, अगर एन की वैल्यू कंप्लीट आता, चलिए चेक करके दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की जगह पे 150 और ए है 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे कितना है माइनस 3। 11 को इधर लाएंगे तो माइनस 11, तो माइनस 150 और माइनस 11 इक्वल टू एन माइनस 1,
और यहाँ पे माइनस थ्री हो गया। 150 माइनस वो माइनस में 150 माइनस में 11 दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 161 और डिवाइड बाई माइनस थ्री और ये आ जाएगा एन माइनस वन। माइनस से माइनस हट गया, 35 जा 15 वन जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो ये कट नहीं रहा है तो लिखेंगे माइनस 150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ एपी, इज नॉट एनी टर्म ऑफ एपीज, जो आपको एपी दिया गया है माइनस 150 उसका कोई टर्म नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग खुद बुक से रीड करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फाइंड 31st टर्म। क्या पता करना है? 31st टर्म यानी A31 आपको पता करनी है, ठीक है। फिर दिया गया है हुज 11th टर्म, एपी का जो 11th टर्म है वो कितना है? 38। जिसका 11th टर्म कितना है? 38 है। और 16th टर्म यानी A16th टर्म जो है वो कितना है? 73 है। अब देखिए, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया उसमें ही था ना कि सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म दिया था, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले A और D की वैल्यू निकालेंगे। जब A और D की वैल्यू आ जाएगा तो A31 निकालेंगे। बताइए A11 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A+10D कितना बनेगा? A+10D और ये हो जाएगा A+10D इक्वल टू A11 और A11 की वैल्यू कितनी आई है? 38 हो गया। अब ऐसे A16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A+15D और इसको लिखेंगे A+15D और A16 कितना आया है? 73। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, फिर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? अपन सॉल्व करते हैं। अपन जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये माइनस माइनस माइनस। इलामिनेशन मेथड आपने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन ना, तो ए कैंसिल हो जाएगा, 10D में से 15D जाएगा तो माइनस 5D और 38 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा? चलिए देख लीजिए, 73 माइनस 38 करेंगे तो 13 और 13 में से 8 जाएगा तो 5 और यहाँ पे 3 आ जाएगा और उल्टा किए हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 35 माइनस माइनस कैंसिल और डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 75 जा 35। अब डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। डी की वैल्यू को उठा करके पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप लोग। तो पहला इक्वेशन क्या था? A+10D कितना था? A+10D इक्वल टू 38। तो A+10 × 7 इक्वल टू 38। तो A=38। 10 × 7 = 70। 70 उधर जाएगा तो माइनस में 70 हो जाएगा, समझ में आया। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 32। A=  कितना आ जाएगा? 32 माइनस में, माइनस में 32 आ गया। हमको निकालना क्या है? A31st टर्म। तो A31 का जो फॉर्मूला होगा वो A+30D और A की वैल्यू −32 + 30 × 7। अब देखिए −32, 7 × 3 = 210, 7 × 3 = 21 और 0 लगा देंगे, इतना आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 178। कितना मिलेगा? 178 और नहीं 178 सही है। तो A31 कितना आ जाएगा? 178। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी वो रीड कर लीजिए। तो आप लोग बुक से क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग रीड कर लेंगे तो मैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 भी करा दूंगा, तुरंत हो जाएगा। क्योंकि जैसे 7 है सेम उसी टाइप का क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ ए 50 टर्म। एक एपी है, कितने टर्म से मिलके बना है? 50 टर्म से मिलके बना है। इन विच थर्ड टर्म इज ए 12, जो एपी का जो थर्ड टर्म है वो कितना है? 12 है। यानी पहले क्वेश्चन में A3 = कितना दिया है? 12 और लास्ट टर्म बोला है कि लास्ट टर्म कितना है? 106।
अब देखिए एपी कितने टर्म से मिलके बना है, 50 टर्म से मिलके बना है, तो 50 टर्म से मिलेगा तो लास्ट टर्म क्या होगा, 50वां टर्म यानी ए 50, तो ए 50 दिया है आपको 106, ए 50 दिया है 106, और पूछा है आपसे कि ए 29 कितना होगा, ए 29 कितना होगा, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए और डी की वैल्यू मिलेंगी, जैसे यहाँ पे हुआ वो ए 29 का क्या बन जाएगा, ए प्लस 28 डी, रख करके हम लोग ए 29 को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कॉपी में करते रहें, आपके सामने दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी आर 4 and -8, तो ए पी का जो थर्ड टर्म है ए 3 कितना है 4 है, और जो इसका नाइन्थ टर्म है वो कितना है -8 है, तो फिर पूछा है ए पी का कौन सा टर्म जीरो होगा, कौन सा टर्म जीरो, यानी मान लो ए पी का एनवा टर्म क्या होगा जीरो, ए पी का एनवा टर्म क्या होगा जीरो, तो बताइए एन की वैल्यू क्या होगी, कौन सा टर्म पूछा है ना, तो एन की वैल्यू बतानी है। इन दोनों को सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, ए और डी की वैल्यू, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की जगह पे जीरो दिया है, ए आपको पता चल जाएगा डी पता चल जाएगा, यहाँ पे रख करके आप लोग एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, मैंने बता दिया कैसे करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, ए 3 का क्या हो जाएगा ए प्लस 2D इक्वल टू 4, और ए 9 का क्या हो जाएगा ए प्लस 8D इक्वल टू -8। दोनों इक्वेशन को इलामिनेशन मेथड अप्लाई करके और ए और डी की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर इसमें पुट करके आपको एन की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग रीड करिए क्वेश्चन नंबर 10 बुक से, आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करिए, और क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो लेक्चर का लास्ट है, बाकी 10 क्वेश्चन रह जाते हैं तो 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में हो जाएंगे। 10th है कि 17th टर्म ऑफ ए पी एक्सीड द 10th टर्म बाई 7, यानी ए पी का जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, इसका मतलब कि ए 17 जो है वो बड़ा है किससे, ए 10 से कितना बड़ा है, 10 बड़ा है, 7 बड़ा, सॉरी कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। तो हमको क्या बताना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमको बताना है डी की वैल्यू बतानी है। अब देखिए ए 17 का फॉर्मूला ए प्लस 16D, माइनस ए 10 का फॉर्मूला ए प्लस 18 का फॉर्मूला ए प्लस 9D, तो यहाँ पे 9 कर लीजिए और ये डी और इक्वल टू 7, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई ए प्लस 16D माइनस ए माइनस 9D इक्वल टू 7, ए से ए कट गया, 16D माइनस 9D 7D इक्वल टू 7, तो डी इक्वल टू 7/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 5.2। आप लोग खुद से और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो ये यहाँ पर 10th तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बहुत सारे के कई पार्ट थे वो भी कंप्लीट हो गए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।